हैरी पॉटर देखा है, उसका चर्च देखा है, देखोगे ये देखो। ये 100 रुपए देके अपन स्प्रे में करवाते ना, वो छोटी छोटी मशीन इस पानी के अंदर। भैया दूसरे व्यू पॉइंट पे आ गया अपन पचमढ़ी में, यहाँ पर है लेक हमारा पचमढ़ी, यहीं से भाई एंट्री गेट पचमढ़ी का एंट्री गेट पर यहीं पे है। वो देखो लेक है, बोटिंग वोटिंग है, पानी है और वहाँ से कूद सकते हो आप नीचे, आत्महत्या करने के लिए नहीं घूमने के लिए। अब आगे चल के देखते हैं व्यू पॉइंट में और क्या क्या चीज़ें देंगे ये लोग। अपने पास परमिट है जंगल घूमने का पूरा, टेंशन नहीं अपने को, अपन पूरा जंगल घूम के जाएंगे, पैसे अदा करके जाएंगे। मेरा एक राम भाई ऐसे ही परमिट एक और बनाने वाले अपने बाइक का, इंडिया घूमने का। हुआ तो कोई ना कोई तो पॉइंट है यहाँ पे भाई, जो लोग गाड़ी से आ रहे हैं तो। हम लोग अभी अंदाजे से घूम रहे, हमारा गाड़ी चला 2 बजे के किला भाई, 3 पॉइंट नहीं घुमाते हम लोग, उसके बाद आप लोग चले, हमारा टाइम खत्म। हालांकि 5 बजे तक का टाइम था उसका, किला भाई खाना बनाना है हमें। इसके उस तरफ झील है, पूरे घर बसे हुए भाई, लीज पे जमीन, वो बता रहा हूँ लीज पे जमीन दे के रखी उनने गवर्नमेंट ने लोगों को। आ तो मैं भोपाल का महादेव पानी तो बोलते गया, पचमढ़ी का महादेव पानी भी देख कर आते कैसा क्या है। ऑन द वे और ये मौसम भाई बहुत घना जंगल आते आ रही है धीरे धीरे। यहाँ पे दरगाह है भाई, कौन सा हवा भाई, अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे मंदिर है, वहाँ प्रणाम प्रणाम बाबा। इकराम भाई सही से पकड़ने जा रहे हैं गाड़ी का हैंडल, इनको बीच में रख लूं मैंने सोचा, सही है ना भाई। यहाँ से जाते जा रहे हैं, चलती आएगा चलती आएगा, बालक खंड हो रहा हमारे साथ तो भाई। यहाँ पे पुलिस की ट्रेनिंग भी होती है भाई, पुलिस का आर्मी कैंप यहाँ पे बहुत बड़ा, हर जगह पे ट्रेनिंग चल रही है। अभी तो फायरिंग हो रही थी सुबह भाई, वहाँ पे दिखी नहीं मगर आवाज आ रही थी धड़ाधड़ की, जैसे हमने अंदर एंट्री करे थे। आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ सर, पूरा टाइगर रिजर्व उधर से बाहर चले जाएंगे अपन लगता है। महादेव पानी की बाइक चिकनी यहाँ पे, वो लोग वही थे अपने महादेव पानी मिले थे वो गड्ढे में। ओ भाई गांव का पेवर रोड चालू। हाँ तो गर्मी तो लग रही है, जंगल में घूमने में मजा भी आ रही है। तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नहीं वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर दो। एडवेंचर टूरिस्ट पसंद है ना, और एडवेंचर करना है। इसके बाद अपन सीधे निकलेंगे अगर हुआ तो, अगर ये वीडियो पे ज़्यादा नहीं 10-15-20 हज़ार लाइक आ रहा तो अपन निकलने वाले यहाँ से सीधे कहाँ, मुंबई गया पनवेल लोना वाला, वहाँ पे भी ऐसी जंगल है इससे शानदार, और वहाँ का भी इससे कर्रा वाला नज़ारा होने वाला। और यहाँ से भी महादेव 6 किलोमीटर आ गया भाई, साइन लगा हुआ है देखो रोड। घूमना है यहाँ से, गाड़ी को भी घूमना और हमें भी देखना, जी आ रही है ना। ये देखो भाई भाई ये मूल वाला रोड है, तुमने देखा होगा अपने सीआईडी ऑफिसर अभिजीत की गाड़ी यहाँ पे खराब होती है हमेशा, ये सीआईडी वालों की। ये मुझे वैसी रोड लग रहा है बिल्कुल, सुना इकराम भाई, इकराम भाई ये जेब में क्या रखे हो तुम इसके, लीड है
ऐसे तो मत रखा कर, गिर जाता तो ऐसे में। हाँ तो अपन नगर भी यहाँ पे गाड़ी खड़ी और अपने को एक चीज दिख गई यहाँ पे जिससे हम लोग बच गए थे। अपन वही काम करने जा रहे हैं और यहाँ पे खाई बहुत शानदार है और अपन जा रहे हैं छोटा सा काम करने के लिए। अपन व्यू एंजॉय करो। अपनी इस ईंट से गाड़ी अभी टकराते बच गई थी क्योंकि इधर पे आ गई गाड़ी, इधर पे आ गई जी ईंट। अपन इसको कुछ नहीं करेंगे, शांति से प्यार से मोहब्बत से ऐसे उठाएंगे घर ले चलेंगे। अच्छा वो मैंने इसमें लात नहीं मारी, मैं लात मारने वाला था। हट तेरी तो भाई का नजारा है अंधेरी रातों में। मैं अकेला सुनसान राहों पे चल रहा हूँ, देख रहा हूँ भैया महादेव पाली। और एक कांड हो गया, हमारी गाड़ी गिर गई, कुछ कार में नहीं गिरी, ऐसी गिर गई खड़े खड़ी गड्ढे में घुस के, क्लच टूट गया यहाँ पर। और यहाँ पे प्रदेश नहीं है यहाँ की कुछ की, चल के देखेंगे अपन अंदर। अब ये वाली पहाड़ी चढ़ेंगे हम, BMW एडवेंचर खड़ी थी भाई वहाँ पे बहुत शानदार तरीके से फुल्ली लोडेड। उस गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई है, क्लच वायर टूट गया। यहाँ का इको पॉइंट देख कर आते कैसा भाई, ईगो में क्या है, ईगो जरूर है। इकराम भाई चलो। हाँ लास्ट पॉइंट घूम रहे हैं भाई, व्यू पॉइंट। इसके बाद अपन वापस निकलने वाले हैं, बाकी का टूर अगले महीने या अगले साल करेंगे जो भी बचेगा। हालांकि अब नए साल वाला स्टार्टिंग हो चुकी है, ये वाला टूर कंप्लीट होने के लिए। इससे ज़्यादा सख्ती ना बची, दिन भर में सुबह 6 बजे से उठ के निकले हुए क्योंकि इकराम भाई की हालत और ज़्यादा ख़राब होगी क्योंकि बेचारे सोए नहीं 2 बजे तो सोए थे आगे। और अभी रन वॉक पैदल चलने में समझ लो तो एक स्पॉट घूमने बढ़िया अच्छा भाई। चलो अच्छा है आ गए, पास पड़ गया, इको पॉइंट आ गया। यहाँ से भी देखते हैं पहाड़ियों का कहना जा रहे हैं, हालांकि अब तो वो नहीं होगा, क्या कहते हैं उसे, फॉग जो सुबह देखने को मिला था हमें अप्सरा पे। अप्सरा हमारा रेसो गार्डन वाला अप्सरा नहीं, ये अप्सरा है रियल वाला है। क्यों क्यों भाई व्यू पॉइंट दिया था, देखते हैं। लोग कहते हैं अपने नाम चिल्लाओ रिटेन में दूसरा नाम आता है, जैसे कि वाली पिक्चर में हुआ था प्रियदर्शनी। व्यू पॉइंट तो और आगे होगा फिर। नहीं भाई अपने को यहीं पे घूमना लास्ट ही अपना, अपन निकल लेंगे क्योंकि अभी अपने को बहुत 200 किलोमीटर बाइक चलानी है, सॉरी 150 किलोमीटर। ये लास्ट व्यू पॉइंट है, यहाँ से देख के वापस चलते हैं, देख करके दिखाऊंगा। के नाम से जाना जानते थे, फिर अंग्रेज लोग आए उन्होंने इंग्लिश में नाम रख दिया इसका रजत कृपा, हिंदी में इसका नाम। अरे भैया उतरने ही नहीं यहाँ से तो नीचे मिलने वाली नहीं है अपन, इतनी ऊंची पहाड़ी यहाँ पे डबल आती है आवाज। इको पॉइंट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इको पॉइंट पचमढ़ी का नाम भूल जाता हूँ, पचमढ़ी में घूम रहा हूँ। उन पहाड़ों से टकरा के आवाज़ रिटर्न आती है, जैसे वाली पिक्चर में आई थी, क्या नाम था उसका, ग्रैंड मस्ती में जैसे आवाज़ रिटर्न आती है ना वैसी इस पहाड़ों से भी रखा जाती है। अपने प्रेमी का नाम चिल्लाओगे उनके बॉयफ्रेंड के नाम आवाज़ रिटर्न आएंगी रेडी पिक्चर में। तो भाई ये रहा लास्ट हमारा आज का ट्रिप, यहाँ का ख़त्म करते हैं हम लोग, और जो भी रास्ते के व्लॉग होंगे वो भी आपको इसके साथ में जोड़ के मिलाएंगे। मगर ये लास्ट इको पॉइंट था, यहाँ पे आवाज़ गूंज नहीं रही है, मगर लोग बोलते हैं यहाँ पे आवाज़ आती है, मैंने बहुत बार चिल्ला के देखा नहीं आई। और इसके ऊपर भी जाने का कोई मतलब नहीं है, सामने वो टेम्पल है। और हालाँकि ये है कि घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है हमारा पचमढ़ी। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब मार दो, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कि अब अगली बार कौन से पैलेस का आपको वीडियो चाहिए।
और जो भी अभी रास्ते के व्लॉग होंगे वो भी आपको इसी में ही मिलेंगे, तो वीडियो पे ऐसे ही बने रहना। ये हमारा लास्ट पॉइंट था इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ठीक है। भाई तीन चार जगह से वाटरफॉल गिर रहा, वहाँ नीचे भी है। चेक दिस, हैरी पॉटर वाला चर्च दिखाऊं, चलो अंदर देखो गेट आया अगर मैं अंदर ही। हैरी पॉटर वाली फीलिंग आएगी तुम्हें बचपन में, जिसने हैरी पॉटर देखा हो उसको ही पता है हैरी पॉटर वाली तो फीलिंग। अरे हमारी सेल्फी स्टिक फंस गई, हालांकि प्राचीन जमाने का चर्च है, लग रहा है हैरी पॉटर वाला बिल्कुल। क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा आप, ये देखो लग रहा है ना हैरी पॉटर वाला घर, गार्डन खास नहीं, इधर से एंगल आएगा ये रहा। ये हैरी पॉटर वाला घर, हालांकि ये पुराना वाला चर्च है यहाँ का, हाँ बहुत पुराना चर्च है, पता नहीं कितना पुराना है, मगर यहाँ पे भाई बहुत सारे चर्च वाले कब्रिस्तान भी हैं और कब्रिस्तान भी हैं, दोनों चर्च वाले भी और ये वाले भी, तो वीडियो आगे बने रहना। भाई ये चारों तरफ से देख लो, यहाँ पे किसी का रूम बना हुआ है, चद्दर डली हुई है, शायद खुलाता है ये कभी कभी, बाकी इसमें पेंट भी नहीं होते। ये हमारी धरोहर है इंडिया की, इंडियन बेस्ड धरोहर मुगलों के भी आगे का लगता है मुझे, ये जमाने का किला, पहला चर्च देख रहा हूँ मतलब मैं तो भाई, कि इतना पुराना चर्च है, मतलब मुगलों के जमाने का पहला चर्च देख रहा हूँ भाई मैं अभी तक। हाँ क्योंकि पत्थरों का है ना चर्च, ऐसा चर्च अभी तक नहीं देखा मैंने, जहाँ से भी एक गेट है, हालांकि मुगलों के जमाने का ही है ये, खुला हुआ है भाई, अंदर सब कुछ है, सामान वगैरह रखा हुआ है, और भी एंटीक दिखता है, देख लो पहले के जमाने के, अब ऐसे चर्च देखने को नहीं मिलते। चेक दिस व्यू, बाय बाय चर्च, ओल्ड इज गोल्ड। भाई चर्च में लगा था ताला और अपन निकल के आ गए वहां से, अब आगे को जा रहे हैं।